राय जिले में 8 बच्चों में 9 लोगों की जान लेने वाले भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। यहां बीती रात एक और भेड़िए के देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने भेड़िए की तलाश तेज कर दी है। वन विभाग की 12 टीमें दिन रात ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की निगरानी कर रही हैं। अब तक भेड़िए 8 बच्चों के साथ एक महिला को अपना शिकार बना चुके हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रात में कैसे एक भेड़िया देखा गया लेकिन फिर भागने में वो कामयाब रहा। रात भर पुलिस और ग्रामीण पहरेदारी करते हुए दिखाई दिए। इलाके के विधायक जी भी राइफल लेकर लोगों के साथ गश्त करते दिखे। भेड़ियों के एक झुंड का ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, किस तरीके से 4 भेड़िए इसमें स्पॉट किए जा सकते हैं। वहीं अब वहां के स्थानीय विधायक ने भी गश्त लगानी शुरू कर दी है। दरअसल लंबे वक्त से ये भेड़िया आतंक का सबब बने हुए हैं, 8 बच्चों को अपना निवाला बना चुके हैं। तेजी से भेड़िया आया और उसी तेजी से गन्ने के खेत में गुम हो गया। सारी चौकसी धरी रह गई, सारे इंतजाम फेल हो गए। भेड़िया फिर बच गया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के राजापुर कला गांव का है। भेड़िए के आतंक से जूझ रहे इस गांव में कल रात कैमरे में भेड़िया कैद हुआ। वन विभाग की टीम तब से इस भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। बहराइच के करीब 35 गांव आदमखोर भेड़ियों की दहशत में जी रहे हैं। आधी रात की तस्वीरें देखिए, लाठी डंडों के साथ गांव वाले पहरा दे रहे हैं। पुलिस की टीम भी चप्पे चप्पे पर घूम रही है। और तो और स्थानीय विधायक भी बंदूक लेकर ऑपरेशन भेड़िया के मोर्चे पर उतर चुके हैं। भेड़िए का खौफ आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने ही की थी जब इनके इलाके में भेड़ियों के आतंक ने कई बच्चों को अपना निवाला बना लिया था। सर्वेश्वर सिंह है, महसी से विधायक है और इस वक्त रात के वक्त अपने इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। सर, आप बंदूक लेकर के निकले हैं रात में, आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमको 4 लाख मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी भी है, हमारा दायित्व भी है कि जब उनके ऊपर कोई संकट आवे, सुख हो दुख हो, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हों। आज जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि लोगों में डर महसूस हो रहा है भेड़िए के हमले से, तो जब समाज के लोग, गांव के लोग, हमारे मतदाता डरे हुए हैं, तो राइफल लेकर के हमारे निकलने के बाद में चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं, तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है और वो भी उसी दिशा में चल देता है। और जो सकारात्मक कार्यों में लोग रुचि लेते हैं, सकारात्मक दिशा में चल करके, तो वो काम जो देर में होने वाला है वो बहुत जल्द हो जाता है। ये सब हो रहा है इनके लिए। निगरानी कैमरे से लिया गया ये वीडियो देखिए, 4 भेड़िए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की माने भेड़ियों की तादाद कहीं ज्यादा है। अरे भैया, सब जने जागत रहो, सब जने जागत रहो भैया। बहराइच के गांव में शाम से रात के वक्त ये अनाउंसमेंट आम हो गई है। सब जने अगल बगल में बताएं। लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि वो शाम के बाद घरों से ना निकले। सावधान,
बच्चों को बाहर न जाने दें क्योंकि भेड़ियों के हमले का खतरा है। आपातकालीन दिक्कत है, आपातकालीन समय है, तो सब जने अपन अपन सहयोग के साथ मां मदद करो और सब जने सुरक्षित रहो, अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। लोगों को सावधान किया जा रहा है, इस बात की हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि भेड़िये तो पकड़े ही जाएं, लोग भी भेड़ियों के खौफ से निकले। रात भर कुछ इसी तरह पटाखे छोड़कर भेड़ियों को भगाने और उनके लिए बिछाए गए जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर जानवर कहीं गांव के आसपास होगा तो ये पटाखे की आवाज सुनकर थोड़ा पीछे हट जाएगा, जिससे गांव में रात में अटैक नहीं होगा। हम लोग ये रात में गांव वाले को प्रोटेक्शन के लिए करते हैं ऐसा। तो कहा जा रहा है कि इस इलाके में उनकी गतिविधियां देखी गई हैं। गतिविधियां इसलिए देखी हैं क्योंकि ये पानी से सटा हुआ एरिया है, तो आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग पटाखे हर गांव के किनारे किनारे लगभग लगवाते हैं, लगवा रहे हैं जी। तो अभी कितने दिन से इस तरीके का ये तो जब से ऑपरेशन चल रहा है तब से ये पटाखे हैं जलाए जा रहे हैं। और इसका असर होता है? हाँ, असर होता है। पटाखे दगने पर जानवर जो है अगर दिखता भी है तो पीछे की तरफ मूव कर जाता है। पुलिस अपनी तरफ से मुस्तैद है तो ग्रामीण भी पीछे नहीं है। खौफ में सोने से अच्छा है पहरेदारी ही कर ली जाए। बहुत ज्यादा नुकसान है, लोग नींद सोए नहीं पा होते रात में है। बच्चों को ले? हाँ, बच्चों को लेकर बताओ, बच्चों खातिर पर सो जाए तो पता लगे बच्चन लेगा वो, इसे बहुत ज्यादा परेशान। बच्चन को अकेले पाए जाए तो चाहे जी का हो नोच जरूर डाली, बच्चा के अलावा बड़ों को बैठ। हाँ, बड़ों के नोच डाली, अकेले मिल जाए बस। हाँ, जान सबके खतरा है। वन विभाग की 12 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात लगी हैं। ऑपरेशन आदमखोर में वन विभाग के 200 लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। करीब 45 दिन में खूंखार भेड़िए करीब 35 गांव में अब तक 8 बच्चों और एक महिला की जान ले चुके हैं। वन विभाग अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ चुका है, बाकी भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए जा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर कब तक पकड़े जाएंगे भेड़िए। राम बरण चौधरी के साथ कुमार अभिषेक, बहराइच आज तक।